चलिए शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? हमारी जो एक्सरसाइज है वो है वन आई। कौन सी एक्सरसाइज है? वो है वन आई, ठीक है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है -1 और -3 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो हमारा फार्मूला होता है 1/2 a+b। तो a क्या है? a हमारा ये है, b हमारा ये है। अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? 1/2 a+b, ठीक है। तो हमारा 1/2 लिख लिया, a हमारा क्या है? -1, और बी हमारा क्या है? -3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये -1 और -3 जुड़ के हमारा क्या होगा? 1/2, ये हो गया माइनस, माइनस हमारा जुड़ जाता है तो ये हमारा -4 हो गया। अब हम ये काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? -2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच की संख्या क्या हो जाएगी? -2 जो है हमारे बीच की संख्या हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वो भी इसी तरीके, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। अगला है हमारा -3 और 4 के बीच की संख्या। तो हमारा फार्मूला क्या है? 1/2 a+b, ठीक है। तो 1/2 a+b, 1/2 हमने लिख लिया, a हमारा ये है, b हमारा ये है। a की जगह पे हमने लिख दिया है -3 और b की जगह पे लिख दिया है 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2, ये हमारा हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा? सॉरी, 3, ये -3 और +4 ये है हमारा। तो हमारा क्या बचेगा? 1/2 प्लस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। जब घट जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे हमारा +1 बचेगा। तो मतलब हमारी संख्या क्या आ जाएगी? हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 1/2। तो 3 - 3 और 4 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन हो गया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। 1/2, और a हमारा क्या है? -1, b हमारा क्या है? +1, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? 1/2, और ये हमारा प्लस माइनस कट गया तो गुणे में 0 हो गया। अब 0 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। और 1 और -1 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी कर लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर मैं डालना भूल गई, सॉरी यार। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के बीच की संख्या निकालनी है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? 1/2 a+b, ठीक है। तो 1/2, a हमारा क्या है? 1/3, b हमारा क्या है? 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 + 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 3, 3 × 3, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 1/2, तो 2 × 3 कितना हुआ? 5, और 6 कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो 5 × 5 और 6 × 12, तो इसके बीच की संख्या क्या आ जाएगी? 5/12 आ जाएगी। 5/12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पांचवा भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। अब पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है? पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। क्या है पांचवा क्वेश्चन? -7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा।
फार्मूला लगा देते हैं, एक बटे दो ए की जगह पे लिख देंगे माइनस सात बटे आठ और बी की जगह पे लिख देंगे सात बटे आठ। ठीक है, ये सेम टू सेम लिखा है, मतलब ये हमारा कट गया है एक दूसरे से। जब कट गया तो मतलब एक बटे दो की गुणा किससे हुई, जीरो से ही, तो हमारा क्या आ गया, जीरो। तो मतलब सात बटे आठ और माइनस का सात बटे आठ, इनके बीच की संख्या क्या हो गई, जीरो हो गई है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, छठवां क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो छठवां हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, छठवां हमारा क्वेश्चन क्या है, छठवां हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस का तीन बटे पाँच कोमा आठ बटे तीन, इनके बीच की परिमेय संख्या हमें बतानी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, एक बटे दो ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है, माइनस का तीन बटे पाँच और बी हमारा क्या है, आठ बटे तीन। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। एक बटे दो, पाँच तियाँ कितना होता है, पंद्रह, और तीन तियाँ कितना होता है, नौ, पाँच अट्ठे कितना होता है, चालीस। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा ये क्या बचेगा, एक बटे दो और चालीस प्लस माइनस है मतलब घट जाएगा, घट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, इकतीस आएगा। काहे का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि चालीस बड़ा है, बटे में पंद्रह हो जाएगा। ठीक है, कुछ कटने वाला हो तो काट दो, तो कटने वाला तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इकतीस गुणे पंद्रह दूनी तीस। तीस तरीके से हमारा ये इकतीस बटे तीस जो है आंसर आ जाएगा, इनके दोनों के बीच की संख्या इकतीस बटे तीस हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सातवां जो क्वेश्चन है वो है माइनस के पाँच बटे चार और कॉमा माइनस का छः एक बटे छः। ठीक है, माइनस का एक बटे छः ये है, तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। तो एक बटे दो ब्रैकेट में माइनस का पाँच बटे चार और प्लस ब्रैकेट में माइनस का एक बटे छः, इस तरीके से अभी हम आ रहे हैं। ठीक है, एक बटे दो और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के पाँच बटे चार और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारा एक बटे छः हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बटे दो और ये हमारा क्या हो जाएगा, छः और पाँच, छः और चार की गुणा कितनी हुई, छः चौ चौबीस और छः और पाँच की गुणा कितनी हुई, छः पंचे तीस, माइनस हो गया चार एकम चार, तो ये हमारा कितना हुआ, एक बटे दो, तीस और चार कितना हुआ, माइनस का चौंतीस बटे चौबीस। अब कटना है तो काट दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो सौ चौदह, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक गुणे माइनस का सत्रह बटे एक गुणे चौबीस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का सत्रह बटे चौबीस। ठीक है, तो हमारे बीच की संख्या क्या निकली, माइनस सत्रह बटे चौबीस। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आठवां क्वेश्चन होगा। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इसी में कराए दे रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इसी में कराए दे रहे हैं। आठवें क्वेश्चन में क्या है, एक सही तीन बटे चार और कॉमा चार सही तीन बटे आठ। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चार एकम चार, चार में तीन जोड़ा सात बटे चार और कॉमा आठ चक्कू बत्तीस, बत्तीस तीन कितना हुआ, तैंतीस चौंतीस पैंतीस, पैंतीस बटे आठ। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब हम सारी वैल्यू जो हैं वो रख देंगे। ठीक है, सारी जो वैल्यू है अब हम रख देंगे। ठीक है, ये हमारा एक बटे दो है और ये हमारा, इसमें वैल्यू रख देंगे, हमारा ए जो है वो सात बटे चार है और बी जो हमारा है पैंतीस बटे कितना है, आठ है। अब चार और आठ का लासा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, चार और आठ का लासा निकालेंगे, चार एकम चार, चार दूनी आठ। ठीक है, दो एक
ठीक है, कितना आया, 4 × 8 हमारा लासा आया, कितना आया, 8 हमारा लासा आया है। अब हमने 8 लिख दिया, ठीक है, 4 को 8 से भाग किया तो कितना आएगा, 4 × 8 2 आया, 2 की गुणा किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, प्लस लगाया, 8 × 1 = 8 आया, 1 आया तो 1 की गुणा किससे कर देंगे, 35 से कर देंगे, तब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, तो 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, तो 35 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब हमारा ये 1/2 में क्या है, 8 हो जाएगा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/2 खा लेंगे अभी, तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, और इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और 5 कितना होता है, 9, 3 × 1 कितना होता है, 4/8। अब कुछ कटने वाला हो तो काट दो, कटने वाला तो है नहीं कुछ, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 49/, ये हमारा गुणई में तो होता है, ब्रैकेट लगा होता है, 49/16, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 49/16, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नवा क्वेश्चन करते हैं, तो नवा क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं, नवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, नवा क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं, नवा हमारा क्या है, नवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। माइनस का 1/2 = 7 (9/2). अब इसको हम सही से लिख लेते हैं, 7 × 7, 7 में 2 जोड़ा 9, माइनस का 9/7 (9/2), तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/2 a + b, ठीक है, तो हम इसमें रख देंगे 1/2, ए हमारा क्या है, माइनस का 9/7, और बी हमारा क्या है, 9/2, ठीक है, ये हमारा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 और 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है, 14 कर दिया, और 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है, माइनस का 18 हो गया, 9 × 7 कितना होता है, 9 × 7 = 63 होता है। अब हम घटा देंगे, ठीक है, 1/2, 63 में से 18 गए तो कितना बचेगा हमारा, 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे बचे कितना, 5 में से 1 गया, 4, और निशान किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि 63 बड़ा है, 1/14। कुछ कटने वाला हो तो काट दो, तो कटने वाला कुछ है नहीं, तो हमारा कटने वाला कुछ है, कटने वाला कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45/28 हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, 45/28 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लग जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये हमारा नवा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा नवा क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, हम 10वां क्वेश्चन लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ टाइम बिताऊँगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ दे रही हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि, ये बिगाड़ देते हैं, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1/2 और ब्रैकेट में माइनस का 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या PYQ के रूप में बदलना है, ठीक है, और चलिए इनको बदल देते हैं। फिर कहते हैं कि और दिखाइए कि यह संख्या जो है कितना, माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है, इनके बीच की संख्या जो इसका मान निकलेगा वो इसके बीच की संख्या होगी, बीच की संख्या होगी, ठीक है, बीच की संख्या होगी, ये बता रहे हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 और ब्रैकेट में ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 4 कितना होता है, 12, और 4 × 2 कितना होता है, 8, और 3 × 1 कितना होता है, 3, और 1/2, ठीक है, और 8 में से 3 गया क्या बचेगा, माइनस का 5, माइनस का 5 क्यों बचेगा, क्योंकि 8 बड़ा है, 12, और कटने वाला कुछ है नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5/24 आ जाएगा, 12 × 24 होता है, तो हमारा -5/24 आ जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है, अब ये जो संख्या है
ये हमारी कितनी संख्याएं हो गई हैं, दो संख्या तो ये है और माइनस पाँच बटे चौबीस जो है एक नई संख्या आ गई है, ठीक है, एक नई संख्या आ गई है। अब हम इन तीनों को लाइन से लगाएंगे, ठीक है, इन तीनों को हम लाइन से लगाएंगे तो क्या अगर दो बटे तीन है, माइनस का दो बटे तीन है, तो माइनस तो हमारा संख्या रेखा में क्या होता है, इधर जीरो होता है, इधर प्लस की संख्याएं होती हैं, इधर माइनस की संख्याएं होती है, तो माइनस वाला हमने इधर लिख लिया। अब तीन को हमें किस में बदलना है, चौबीस में बदलना है, तो तीन के में किससे गुणा करेगी चौबीस हो जाए, तीन अट्ठे चौबीस, नीचे आठ से गुणा की तो ऊपर भी आठ से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने कॉमा लगाया, ठीक, अब बीच की संख्या ये हमारे ये कह रहे हैं कि ये वाली जो संख्या निकली है बीच की संख्या है, तो हम इसको बीच में ही रखे दे रहे हैं, पाँच बटे चौबीस, इसको तो कन्वर्ट करना नहीं है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बटे चार लिखा है, एक बटे चार जो हमारा लिखा है यहाँ पे हम माइनस पाँच बटे चौबीस लिखे दे रहे हैं, ठीक है, माइनस पाँच, ठीक है। अब हम ये हमारा जो इसको भी हमें 24 में कन्वर्ट करना है, मतलब 6 से गुणा करनी पड़ेगी, छिचौक 24 होता है तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे गुणा की है तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, दो अट्ठे 16 माइनस का और तीन अट्ठे 24, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 बटे 24 और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 बटे 24। सबके हर बराबर हो गए, सबके हर आप देख सकते हैं बराबर हो गए। अब हर को छुपा लीजिए, ठीक है, हर को जो हम छुपाते हैं तो हम देख सकते हैं माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है, ठीक है, जितनी छोटी संख्या होती है उतनी बड़ी होती है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, माइनस 16 बटे 24 इज स्मॉलर देन माइनस 5 बटे 24 इज स्मॉलर देन 6 बटे 24, मतलब ये वाली संख्या जो है बीच की संख्या जो है निकल आई है। इस तरीके से हमने ये जो प्रूफ कर दिया है। अब हमारा पूरा एक्सरसाइज हो चुकी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करके जाइएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, 4/5 प्लस 1/2 को ये मॉड में है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के ज़रूर जाइएगा, और मैं इंजॉय करती हूँ अपने बच्चे के साथ, ओके, तब तक आप भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोजस स्टडी सर्च करते हैं तो हमारा ये चैनल जो है खुल के आ जाता है। इस तरीके से चैनल पे जब हम टैप करते हैं तो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है वीडियोस का, तीसरा है प्लेलिस्ट का, चौथा है चैनल का। जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो हम जब ने प्लेलिस्ट पे टच किया तो हमारी कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट हैं, कक्षा एक की, कक्षा दो की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रही तो ये एरो दिख रहा होगा, एरो पे आप टैप करेंगे, कहाँ है एरो, एरो पे आप टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ये लिख के आ जाएगा व्यू 30 मोर। तो व्यू 30 मोर पे आप टच करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज वो खुल के आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे टच करेंगे, जब आप चैनल पे टच करेंगे तब आपको हमारे तीन और चैनल दिखेंगे, पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारे क्रिएटिव चैनल है। पहला जो चैनल है वो हमारे बच्चों के लिए चैनल है, बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे क्या चीज़ सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है, जिसमें क्या आपको दिखाया गया है, उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं खुद हाथों से बनाना सिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खुद हाथों से मैंने बनाई है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ज्वेलरी बनी हुई है, आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट जो ज़रूर करिएगा। अब हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें क्या है, घर की जो पुरानी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं,
वो हमारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई अब बाय बाय, सब्बा खैर, गुड बाय बाय बाय।